चलिए, चिंता सरकार करेगी लेकिन लोगों की चिंता तो आपको करनी पड़ेगी। जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि देखिए हिरासत में आखिरकार कैसे किसी के साथ मारपीट की जा रही है, वीडियो वायरल किया जा रहा है, आपके देवरिया के विधायक जो उसको ट्वीट करके शाबाशी देते हुए नजर आते हैं, पीठ थपथपाते नजर आते हैं। बहरहाल में योगेश जी आपके पास में पहुंच रहा हूं, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? और साथ में एक सवाल ये भी कि इस तरह की तस्वीरों से उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है। हमारे उस साथी को सबसे ज्यादा समझ में आ गया किसी की बात, और उनसे ये कहेंगे कि फर्स्ट भाषा की मर्यादा रखते हुए डिबेट किया कीजिए। अगर अभी हम आपके नेताओं के लिए कुछ शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बुरा लग सकता है। नहीं, और है। देश में योगी जी का विरोध और मोदी जी का विरोध देश का विरोध नहीं होता साहब। और अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में बोलने की भी अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए आपको लगता है कि कोई योगी जी खिलाफ बोला, मोदी जी खिलाफ बोला तो ठीक लगता है कि देश का विरोध हो गया। आपको इतना अच्छा नहीं है। आप जो है कोई राय नहीं लेते, कोई मशवरा नहीं लेते, सीधा पहले एक्शन, उसके बाद जब फंस जाते हैं तब अपने अधिवक्ताओं से संपर्क करने में लग जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या आप ये बता तो दें, मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि किस धारा के तहत आपने घर गिरा दिया, एक सिंपल सा सवाल अपने पूछ के आए होते, थोड़ा सा पढ़ के आए होते तो ये भी बता देते कि किस धारा, कहाँ लिखा है कि किस धारा के तहत इनका जावेद मियां का घर गिरा, बता तो दो भैया। पूरा देश ने लाइव टेलीकास्ट देख लिया। ये वही है मोदी जी और योगी जी के खिलाफ देश के, जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आ गए हैं ना, तो देश बचाने की कवायद आ गए। ये बुलडोजर वहां नहीं चला, कानून पे चला, जो देश में कानून और संविधान पे चल गया। इनके प्रवक्ता कहते हैं कि संविधान को मनपे नहीं करते साहब, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, इनको सिर्फ हिंदू 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 और कुछ दिखता तो है नहीं। और इनको तो सीधी बात है कि अगर अभी कोई बात ये बता भी नहीं पा रहे हैं, आप इनसे ये पूछ लीजिए, पूछ रहे हैं ना बार बार कि ये पत्थर फेंकने की कार्रवाई थी कि अवैध निर्माण की कार्रवाई थी, तो इनको कुछ पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा होमवर्क भी करके आइए और भाषा का मर्यादा का ज्ञान रखिएगा साहब। नहीं ठीक है योगेश जी, ठीक है। अगर नहीं बिल्कुल, अगर आगे से आपने इस्तेमाल किया तो हम भी क्रॉस करेंगे, लिमिट क्रॉस करेंगे, हम भी बोलेंगे। योगेश भाई से एक बात जरूर कहूंगा कि शायद मैंने पूरी जो कार्रवाई हुई है या जो जजेज आए, आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपने पढ़ा नहीं तो होमवर्क नहीं किया होगा, शायद मुझे जानकारी ना हो, शायद मैंने पढ़ा ना हो। लेकिन एक बात योगेश जी एक बात बता दूं, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, एक बात मैं बता दूं, आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी से बहुत ही अच्छा मर्यादित भाषा है, पूरे सदन ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है आपके नेता का व्यवहार। ठीक है संतोष जी, ठीक है संतोष जी, हम देखिए मुद्दे से अलग हो जाएंगे, कोशिश जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको बात समझ में आनी चाहिए सर, इसीलिए सर ये चर्चा आज की रखी है सर। संतोष जी ठीक है, नहीं ठीक है योगेश जी, ठीक है आपको भी मैं रोक रहा हूँ, संतोष जी आपको भी रोक रहा हूँ, राज साहू जी हमारे साथ हैं, उनके पास में पहुंच रहा हूँ। सर एक सवाल ये कि देखिए सरकार तो मानने को तैयार नहीं कि वो फंसी है कि नहीं फंसी है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर CGI इस मामले में क्या कदम उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेता है तो क्या क्या एक्शन हो सकता है? देखिए मोहित, बीच में इसलिए करना चाहता था कि आज मैं यहाँ पर ना तो BJP की साइड से हूँ, ना सपा की साइड से, ना कांग्रेस के, मैं हूँ एक अधिवक्ता और मैं रूल ऑफ लॉ की बात करूंगा और मैं डेमोक्रेसी की बात करूंगा, और शायद इसीलिए आपने मुझे बुलाया भी। तो इसीलिए मैं संतोष जी से भी बोलना चाहूंगा, संतोष जी ये रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है कि ये सिर्फ एक टाइम का इंसिडेंस नहीं है जिसके लिए ये लेटर लिखा गया है, ये काफी दिनों से जो बुलडोजर चल रहा है, और हमेशा जैसे ही कोई इंसिडेंस होता है उसके नेक्स्ट डे ये बुलडोजर की जो प्रक्रिया है, इस वजह से इन चीजों के बारे में एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को या एडवोकेट्स को लिखना पड़ा। ना तो मैं उनके फेवर में हूं, मैं सिर्फ लॉ के फेवर में हूं कि अगर लॉ ये कहता है कि कानूनी प्रक्रिया से चीजें होनी चाहिए, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि कितने बुलडोजर कल चले हैं उन लोगों पे और कितनों को नोटिस पहले दिया गया था जिनके मकान तोड़े गए हैं। तो ये जो पिक एंड चूज की पॉलिसी जो चलती है वो गलत है और वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है।